हे नमस्कार, मेरा नाम है निखिल एंड आज कंपेयर करने वाले हैं हेलियो G35 को हेलियो P70 से एंड देखेंगे कौन सा ज्यादा बेटर चिपसेट है। तो पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट की, तो हम सभी जानते हैं कि हेलियो G35 यहाँ पर लेटेस्ट चिपसेट है। ये लॉन्च हुआ है 30 जून को 2020 में एंड ये Redmi 9C में यूज हुआ है, जबकि हेलियो P70 यहाँ पर लॉन्च हुआ था 24 अक्टूबर 2018 में। तो यहाँ पर लेटेस्ट चिपसेट है हेलियो G35। बात करते हैं यहाँ पर फैब्रिकेशन की, तो यहाँ पर दोनों ही चिपसेट बेस्ड है 12nm के फैब्रिकेशन पे। तो यहाँ पर इस मामले में दोनों ही चिपसेट इक्वल है। एंड बात करते हैं यहाँ पर रैम की, तो दोनों ही चिपसेट यहाँ पर काफी अच्छे रैम के साथ में आते हैं अपने बजट के हिसाब से। यहाँ पर अगर बात करते हैं कौन सा बेटर रैम है, तो ऑफकोर्स हेलियो P70 का जो रैम है काफी हद तक बेटर है। इसके तीन सबसे बड़े रीजन है, पहला कि एक ड्यूल चैनल रैम है, दूसरा कि ये जो रैम है यहाँ पर 8GB तक जा सकता है एंड तीसरा कि यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है काफी हद तक ज्यादा है। स्टोरेज के मामले में यहाँ पर दोनों ही चिपसेट इक्वल है, बिकॉज दोनों में ही हमें eMMC 5.1 का सपोर्ट मिलता है। तो इस मामले में दोनों ही इक्वल निकल के आते हैं। बात करते हैं यहाँ पर AI परफॉर्मेंस की, तो दोनों में ही हमें कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं मिलता, दोनों ही एवरेज है। बट यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं दोनों को आपस में, तो हेलियो P70 थोड़ा सा बेटर निकल के आता है AI के मामले में। बात करते हैं यहाँ पर ISP की, जिसका मतलब होता है इमेज सिग्नल प्रोसेसर की। तो यहाँ पर हेलियो P70 बेटर हमें ISP ऑफर करता है। यहाँ पर जो सेंसर सपोर्ट है वो भी बेटर है हेलियो P70 में। वीडियोग्राफी के मामले में यहाँ पर हैंड्स डाउन हेलियो P70 बेटर है, बिकॉज ये यहाँ पर सपोर्ट करता है ज्यादा रेजोल्यूशन वाले वीडियो को एंड यहाँ पर आपको 4K की वीडियो को 30fps पे शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी हद तक अच्छा है। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर दोनों ही काफी हद तक इक्वल है, दोनों में हमें 60Hz पे ऑपरेट होने वाला फुल HD+ डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है। एंड मॉडेम के मामले में दोनों अगेन यहाँ पर इक्वल निकल के आते हैं, बिकॉज दोनों में ही हमें 4G LTE मॉडेम मिलता है, यहाँ पर 5G दोनों में ही नहीं मिलता एंड यहाँ पर जो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड है दोनों में ही इक्वल है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर Antutu एंड Geekbench स्कोर की, तो यहाँ पर अगेन हेलियो P70 बेटर स्कोर करता है। यहाँ पर मैं आपको चीज बता दूं कि मैंने यहाँ पर वर्जन 7 को यूज किया है Antutu के लिए एंड वर्जन 4.4 को यूज किया है मैंने यहाँ पर Geekbench के लिए। एंड अभी अगर हम बात करते हैं PUBG परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोनों में हमें स्मूथ प्लस हाई तक की सेटिंग में गेमिंग करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं FPS की, तो हमें ज्यादा FPS मिलते हैं हेलियो P70 में। यहाँ पर लोएस्ट टू लोएस्ट कभी कभार हमें 16 FPS मिल जाता है हेलियो P70 में, बट नॉर्मली ये 36 से लेके 28 के आसपास रहता है, जो कि काफी हद तक एक प्लेबल एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर ये HD+ हाई तक की सेटिंग में भी PUBG को रन कर सकता है, तो गेमिंग के मामले में यहाँ पर हेलियो P70 बेटर चिपसेट है। अभी अगर हम बात करते हैं CPU की, तो यहाँ पर हमें हेलियो G35 में मिल जाता है एक ही क्लस्टर वाला CPU एंड एक ही क्लस्टर में हमें 8 कोर्स मिलते हैं कॉर्टेक्स के A53 वाले क्लॉक्ड एट 2.3 GHz, जबकि हेलियो P70 में हमें 2 क्लस्टर मिलता है, जिसमें कि पहले क्लस्टर में हमें 4 कोर्स मिलते हैं हाई परफॉर्मेंस वाले कोर्स के एंड 4 कोर्स हमें मिलते हैं सेकंड क्लस्टर में एफिशिएंसी वाले कोर्स के। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें दोनों के CPU को, तो यहाँ पर हेलियो P70 का CPU काफी ज्यादा बेटर है, बिकॉज पहली बात तो यहाँ पर हमें कॉर्टेक्स के A73 वाले कोर्स मिलते हैं, ऑफकोर्स पुराने कोर्स है बट हेलियो G35 के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल कोर्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, यहाँ पर आपको स्पेक्स देखकर ही पता चल रहा होगा कि हेलियो P70 का जो CPU है काफी ज्यादा बेटर है। एंड अभी अगर हम बात करते हैं GPU की, एंड GPU काफी ज्यादा मेन एस्पेक्ट होता है गेमिंग के लिए एंड अगर आपको गेमिंग करनी है आपके फोन में, तो GPU काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए आपके फोन में। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, बिकॉज GPU काफी ज्यादा बेटर है हेलियो P70 का। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों के GPU को, तो हेलियो P70 का GPU काफी हद तक बेटर निकल के आता है एंड यहाँ पर मतलब नहीं बनेगा दोनों के GPU कंपेयर करना, मतलब वो एकदम ही मूर्खता वाली बात होगी। एंड यहाँ पर इवन सेंचर एंड मार्क में भी काफी ज्यादा बड़ा गैप निकल के आता है दोनों के बीच में। हेलियो P70 काफी हद तक बेटर स्कोर कर लेता है सेंचर एंड मार्क में। तो अगर बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि हेलियो P70 काफी ज्यादा बेटर चिपसेट है एंड मेरे ओपिनियन से आपको लगभग 4,000 to 5,000 अगर आपको खर्चा करना है, तो आप हेलियो G35 ले सकते हो। बट अगर आपको खर्चा करना है थोड़ा सा ज्यादा, तो आप हेलियो P70 ले सकते हो लगभग 6,000 to 7,000 के बजट में एंड 7,000 to 9,000 के बजट में आपको हेलियो G70 मिलता है, जो कि अगेन एक बेटर चिपसेट है एज कम्पेयर टू हेलियो P70। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो के लिए मुझे इतना ही बताना था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को एंड टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ।